Hello humans, welcome back to my channel. It's been a week and I'm back to my basics. That is, you can clearly see my hostel room. So it's my first holiday after so many holidays. मुझे नहीं पता आप सब ये सोचते हो या नहीं सोचते हो, पर मैं और मेरी फ्रेंड्स वी डाई फॉर वीकेंड्स. आज संडे है और मैं और मेरी रूममेट्स हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे संडे कब आएगा कि हम रूम पे पड़े रहें. एक हफ्ता हो चुका है मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए, पर मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं अपना रूम या फिर अपनी अलमीरा सेट कर सकूं. आज मैं आपको 5 ऐसे हैक्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी अलमीरा को प्रॉपरली सेट कर सकते हो. आपको हैक्स बताने के बहाने मेरी अलमीरा भी सेट हो जाएगी. मुझे अलमीरा भरी भरी और खाली खाली पसंद है, मतलब भरी भी हो जिसमें स्पेस भी हो. और जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर जो रहते हैं, उन्हें पता ही है कि कितनी छोटी सी हमें अलमीरा मिलती है. ये एक आपको ये पीछे दिख रही है जो ये अलमीरा, जैसा कि आपको दिख रहा है मेरी अलमारी का सारा सामान यहाँ पे है. मैंने इसमें ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स लगा दिए हैं और यही आपकी सबसे पहली टिप है कि अपनी अलमीरा में न्यूज़पेपर्स लगा लो. न्यूज़पेपर के ऊपर रखने के बाद हमारे कपड़े गंदे नहीं होते. मेरी सेकेंड टिप ये होगी, ये कार्टन्स. जैसे आपने मेरी अलमीरा देखी है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो इतने गैप में काफ़ी सारे कपड़े अगर हम रखते चल जाएंगे तो वो एक टावर बन जाता है, और टावर में से कपड़े निकालना बहुत मुश्किल होता है, मतलब रिस्की है. एक कपड़ा नीचे से अगर निकालना पड़ेगा तो पूरा टावर नीचे गिर जाता है. तो एक ये है मेरे पास, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था. कहाँ से मंगवाया था? क्लब फैक्ट्री से मंगवाया था. ये एक ये इस तरीके से है, इसमें 3 पार्टीशन है. ठीक, मतलब अगर आपको पैसे वेस्ट करना है तो आप इससे मंगा सकते हैं, पर आपको बिना किसी पैसे के करना है तो आप ये सब दे सकते हैं. ये मैंने सारे हमारे टक शॉप से उठाए हैं. मैंने ये न्यूज़पेपर लगा लिया है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. आपकी मर्जी है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ. टिप नंबर 3 है ये, मतलब कि हैंगर्स. मैं ज़्यादातर हैंगर अपनी जीन्स टंगाने के लिए या फिर जैकेट्स के लिए यूज़ करती हूँ. मैं कपड़े इस तरीके से हैंग करती हूँ कि जैसे कॉर्नर में वो कपड़े जो मुझे बहुत कम चाहिए, जैसे कि इसमें मैंने अपनी बेडशीट्स और टॉवल हैं. टिप नंबर फोर ये है कि जो मुझे कपड़े सर्दियों में पहनने हैं वो मैंने अरेंज करने हैं. जो कपड़े सर्दियों में मेरे किसी काम के नहीं हैं वो मैंने मेरी 5th टिप आपके लिए ये है कि जो सामान आप जहाँ से निकालते हो यूज़ करने के बाद उसे वापस वहीं रख दो. इससे आपकी अलमीरा में मेस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर आप निकालते जाओगे फेंकते जाओगे अलमीरा में तो वही हाल है. अलमीरा खोलते सारे कपड़े नीचे. तो जैसे देखिए आपने मेरी अलमीरा और मेरी फ्रेंड की अलमीरा, अब शायद मेरी वीडियो देखने के बाद वो भी इस तरीके से अरेंज कर ले. उसे आलस आता है इस वजह से वो ऐसा नहीं करती है, पर आप आलस मत करना और एक दिन निकाल के अपनी अलमीरा सेट करना. जैसा आपने देखा मेरा बेड भी खाली है, मैंने सारा सामान अपनी अलमीरा में सेट कर दिया और मेरी अलमीरा काफ़ी अच्छी भी लग रही है और काफ़ी स्पेस भी है मेरे पास और मेरा सारा सामान भी अलमीरा में आ गया. मैंने अपनी शूज़ के लिए भी एक अलग से कार्टन ले रखा है, उसी में मैं अपने सारे शूज़ रखती हूँ और उसे अलमीरा से बाहर रखती हूँ. अलमीरा में स्मेल नहीं करनी, तो अलमीरा में शूज़ मत रखना. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.